आज हम बातें करते हैं इम्पोर्टेंट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की। इनको ट्रांसक्रिप्शन जब करते हैं तो इस तरीके से कि विलेज इस शब्द को लिखा जाता है स्लेंटेड लाइन के अंदर, विलेज, बेबी बेबी, क्लाउज होगा क्लाउज, क्लाउज होगा, ये डिफरेंस है दोनों में जो पूछा गया था आरपीएससी में, केविन, चेन, चे का है चेन, चाम, चे आम, चाम, फैन, फैन, वंडर, इस तरीके से होगा, न्यूज, इस तरीके से लिखेंगे, क्लास, स्टूडेंट, स्टूडेंट, इस तरीके से लिखेंगे, सर्व, अर आएगा सर्व, मून, मून होगा, इस तरीके से, नेक्स्ट है डॉक्टर, वो आएगा डॉक, टीचर, टी, च, वांटेड, टूम बोलते हैं, टूम, अम्यूज, इस तरीके से लिखेंगे, चेयर लिखेंगे, चेयर, मैन, इस तरीके से लिखेंगे, मेन, प्लूरल में ऐसे लिखना होगा, सिंगुलर, वुमन, विमेन, प्लूरल में विमेन, मशीन, मशीन ऐसे, होटल, होटल, इस तरीके से, चर्च, च, अर, च, चर्च, चर्च के बाद रिसीट, इस तरीके से लिखेंगे, बिस्किट, बिस्किट लिखेंगे, वोटा, ओ टा, वोटा, सिप, ब्रदर, सिंग, इस तरीके से होगा, इंग, आमी, आमी, इस तरीके से लिखेंगे, गोड, गोडिस, जज, इस तरीके से, और फाइस, इस तरीके से। ये इम्पोर्टेंट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस हैं। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वॉइस्ड साउंड कहते हैं हम सघोष को और वॉइसलेस कहते हैं अघोष को। यदि ये वॉइस्ड साउंड की जो संख्या है वो 15 है, 15 है, और 9 जो संख्या है वो है, होती है अघोष की, वॉइसलेस साउंड की। यदि हमें याद हो जाते हैं वॉइसलेस साउंड, केवल हम वॉइसलेस साउंड को भी याद कर लेते हैं, तो जो बचे हुए 9 के अलावा 15 हैं वो हमें याद हो जाएंगे। देखो इसको जैसे याद करने का एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, हाथ से फर्श पे चट
इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। हाथ से फर्श पे चटक हा थ स फ श प च ट और का, ये टोटल 9 हैं। और 9 के अलावा जो बचे हुए हैं वो वॉइस्ड साउंड हैं, जिनको हम, ये हमें याद हो गए, तो इनके अलावा बचे हुए जो साउंड्स हैं वो वॉइस्ड साउंड कहलाती हैं, तो हम इनको याद कर सकते हैं।